रावपुरा इलाके में बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य ब्रांच मौजूद है। वहां पर आज सुबह अचानक ही आग लगने की घटना घटी। दरअसल बैंक शुरू होते ही वहां पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि आग के धुएं दिखाई देने पर लोग वहां से तुरंत ही बाहर निकलने लगे थे। दमकल विभाग को भी इत्तला दे दी गई थी और दमकल विभाग की ओर से आग पर काबू पाने की कोशिश कर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया था। हालांकि आग किस वजह से लगी इस मामले में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आग की घटना को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर अजय खेड़ू ने प्रतिक्रिया दी है। तो ये बैंक में अभी बैंक जब शुरू हुआ तभी ये आग डिटेक्ट हुई है। सभी लोग हमारे बैंक के नीचे आए हैं, हमने फायर ब्रिगेड को बताया और फायर ब्रिगेड का गाड़ी तुरंत आ गया है और फायर ब्रिगेड के लोग अंदर जा रहे हैं। तो हम अभी आग किस वजह से लगी है ये नहीं बता सकते, बट जैसे ही ये आग कंट्रोल में आएगी तभी इसके कारणों का पता लगेगा। सर ऊपर कौन सी अभी हमारा फर्स्ट फ्लोर में क्रेडिट डिपार्टमेंट वडोदरा मेन ब्रांच के फर्नीचर्स पेपर्स वगैरह है, कंप्यूटर्स है, बट अभी उसका क्या हाल है हम अभी नहीं बता सकते।